देखिए, ऐसे तो सोनेट्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है आपका पिटारकन सोनेट। तो इस वीडियो में पिटारकन सोनेट किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में एग्जाम्पल भी देखते हैं। और खास बात यह है कि पिटारकन सोनेट का क्या स्ट्रक्चर है, किस रूप में लिखा जाता है, उसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, पिटारकन सोनेट एक प्रकार है, तो इसको समझने से पहले हम सोनेट को समझते हैं। देखिए, सोनेट क्या है? देखिए, हिंदी में सोनेट को बोलते हैं गीत, गाथा, काव्य, मतलब 14 पंक्तियों का एक लघु काव्य है, उसको हम सोनेट बोलते हैं। मतलब अ सॉन्ग और पोएम इन द फॉर्म ऑफ लिरिक विथ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। मतलब ऐसा कोई सॉन्ग है, पोएम है, जो 14 लाइन की पंक्तियों में हो और लिरिकल फॉर्म में हो, गाने के रूप में हो, गीत में हो, तो उसको सोनेट बोलते हैं। और जो वर्ड सोनेट है, यह इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, स्मॉल सॉन्ग, और लैटिन वर्ड सोनस से भी लिया गया है, जिसका मतलब होता है सिंपल अ साउंड, मतलब कोई गाना, अ सॉन्ग। क्लियर है यहां तक? और पेट्रार्कन सोनेट क्या है? देखिए, पेट्रार्कन सोनेट ये नाम पड़ा है इटालियन पोएट फ्रांसेस्को पेट्रार्क के नाम पर, जो कि एक प्रकार का सोनेट है ये, पेट्रार्कन सोनेट। क्या खास बात है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पेट्रार्कन सोनेट के, क्या स्ट्रक्चर है, किस रूप में लिखा जाता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो जानते हैं। नीचे देखिए, पेट्रार्कन सोनेट की कुछ खास बात यह है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि पेट्रार्कन सोनेट इज मेड अप ऑफ 14 लाइन्स। पहली सोनेट होने की जो शर्त यह है कि वो 14 लाइन की होनी चाहिए, जिसमें से पटारकन सोनेट भी है कि वो 14 लाइन की होनी चाहिए, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होना चाहिए, ठीक है। और पटारकन सोनेट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टंजा, बाकी और सोनेट्स अलग रूप में लिखा जाता है, लेकिन ये दो स्टंजा में ही खत्म कर दिया जाता है। और स्टंजा भी बड़े बड़े होते हैं, मतलब N8 लाइन स्टंजा, एक 8 लाइन के 8 पंक्तियों के जो स्टंजा है, जिसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, वो होना चाहिए, एंड अ 6 लाइन स्टंजा, और एक 6 लाइन का स्टंजा, 6 लाइन की पंक्तियां, जिसको हम सेस्टेट बोलते हैं, वो होने चाहिए। तो ये दोनों स्टंजा मिल करके एक सोनेट बनता है, और वो कहलाता है पेट्रार्कन सोनेट। क्लियर है? देखिए, इसकी जो राइम स्कीम है पेट्रार्कन सोनेट की, वो ऑक्टेव की जो राइम स्कीम है, जो पहले 8 लाइन की जो राइम स्कीम है, उसकी राइम स्कीम होगी ABBA ABBA। और जो सेकंड स्टंजा है 6 लाइन के, जिसको सेस्टेट बोलते हैं, उसकी दो राइम स्कीम हो सकती है, CDCDCD या फिर CDECDE। इसको हम एग्जाम्पल से स्ट्रक्चर में देखेंगे और समझेंगे। देखिए, कुछ और बात जान लीजिए कि जो ऑक्टेव है इसमें, जो 8 लाइन के जो स्टंजा है, वो जो सोनेट में जो प्रॉब्लम है उसको इंट्रोड्यूस करता है, उससे रूबरू कराता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। और सेस्टेट जो है, जो सेकंड स्टंजा है, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, इशू का रिजोल्यूशन देता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, पेट्रार्कन सोनेट, क्योंकि पेट्रार्क पेट्रार्क जो है वो इटली के निवासी थे, तो इसीलिए पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? देखिए, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एंड सर थॉमस यॉट, ये ऐसे पोएट थे इंग्लैंड में जो जो के पेट्रार्कन स्टाइल में सोनेट लिखा करते थे। और कहा जाता है कि सर थॉमस यॉट, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में सोनेट को। तो ये इसका जो ओरिजिनेटर कौन है इंग्लैंड में सोनेट का, ये है थॉमस यॉट। क्लियर है? अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर अच्छी तरह से पेट्रार्कन सोनेट का रूप समझ में आएगा और स्वरूप में समझ में आएगा। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 1802। तो यह है यहां पर, इसका जो स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ABBA ABBA में होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टंजा 8 लाइन का है। देखिए, यहां पर ए फेयर अलग है, फिर बाय मैजिस्टी, यह बीबी का साउंड कर रहा है, और इसी तरह से वी आर बेयर या ए का साउंड कर रहा है, इसी तरह से लाई स्काई,
यह बीबी का साउंड कर रहा है, और फिर फेयर और एयर, देखिए लास्ट में पहला और लास्ट जो है आठ लाइन, आठवां लाइन जो है यह ए ए ए यह जो है राइम कर रहा है, तो यही आपका राइम स्कीम है। इसी तरह से आपका स्टीप हिल डीप विल असलीप स्टील, देखिए सी डी सी डी सी डी, यह सेस्टेट है। तो यह है पेट्रार्कन सोनेट का स्ट्रक्चर, क्लियर है? ठीक है, तो उम्मीद आपने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश लिटरेचर में और एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।